की कहानी। एक दिन एक निर्धन ग्रामीण को तीन ऊंट मिले, दो बच्चे थे और उनकी माँ थी। ग्रामीण तीनों को घर ले आया और उनकी देखभाल करने लगा। वे तीनों को घास चराने के लिए जंगल ले जाता, नहलाने के लिए नदी ले जाता। वह सोचने लगा, इन ऊंटों को बड़ा हो जाने दो, इनसे और बहुत सारे ऊंट पैदा होंगे, इस तरह से मेरे पास बहुत सारे ऊंट हो जाएंगे, तब मैं ऊंटों का व्यापार शुरू कर दूंगा, मेरी निर्धनता दूर हो जाएगी। जब भी वह अपने ऊंटों की सवारी करता, उसके पड़ोसी उससे ईर्ष्या करने लगते। कुछ ही वर्षों में उसके पास सचमुच बहुत ऊंट हो गए, वह धनी बन गया। गांव वाले उससे जलते थे। एक दिन उसके ईर्ष्यालु पड़ोसी ने उससे कहा, तुम्हारे ऊंट चरने जाते हैं, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ऊंट कहाँ घूम रहे हैं? तुम उनकी गर्दन में घंटी क्यों नहीं बांध देते? ग्रामीण ने अपने एक ऊंट की गर्दन में घंटी बांध दी। एक दिन वह ऊंट जंगल में घूम रहा था, उसकी घंटी लगातार बज रही थी। एक बाघ को घंटी की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर वह बाघ ऊंट पर चपट पड़ा और उसे मार कर खा गया। इस प्रकार उस ग्रामीण को अपने ईर्ष्यालु पड़ोसी की सलाह बिना सोचे समझे मानने की वजह से हानि उठानी पड़ी। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।